रेस्पेक्टेड श्री अरुण सिंह जी, रेस्पेक्टेड बसंत पन्द्रा जी, रेस्पेक्टेड केवी सिंहदेव जी, रेस्पेक्टेड धर्मेंद्र प्रधान जी ऑनरेबल मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड जोयल ओराम जी ऑनरेबल मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड बजन पंडा जी और सभी मीडिया के फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए शायद एक खुशी की दिन है कि मैं एक रीजनल पार्टी में था बीजेडी में, और एक बहुत बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी जो पैन इंडियन पार्टी है उसमें मेरा जगह मिला है। मैं खुद को बहुत आभारी महसूस करूंगा पार्टी के से नेतृत्व से, और विशेष करके जो जैसे मेरे सीनियर साथी लोग ने कहा कि मैंने बीजेडी में ज्वाइन किया था एक संकल्प लेके, एक सपना लेके कि उस एरिया के लिए कुछ करना है। मैंने 2008 में एक इंडिया टुडे का एनालिसिस पढ़ा था, अक्टूबर में निकला था, जिसमें इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स लिखा गया था कि डेवलपमेंट इसमें कौन सा पार्लियामेंट्री कहाँ खड़ा होता है। नवरंगपुर पार्लियामेंट्री वाज रैंकिंग 543। उस दिन में मेरे को लगा कि मेरे को इस जिला में कुछ करना चाहिए। जिस जिला से मैं थोड़ा इमोशनल हो जा रहा हूँ, जिस जिला से मैं आके एक पद में रहा, मेरे को एक रिकग्निशन मिला, उस आई शुड गिव समथिंग बैक टू दैट डिस्ट्रिक्ट। तो एक उसको और 543 से 542 रैंक को भी ले आऊँगा, इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। तो उसी सपना में लेके आया था, और बीते 5 साल मैंने कोशिश किया। मैं आभारी हूँ बीजेडी को, नवीन पटनायक जी को, कि उन्होंने मेरे को मौका दिया। बीते 5 साल में जैसे बोल रहे थे साहब कि जयपुर मलकानगिरी, जयपुर नवरंगपुर रेलवे लाइन, जिसमें हमने सैंक्शन कराया, 2500 किलोमीटर रोड बनवाए, साल में 500 किलोमीटर के हिसाब से 2500 किलोमीटर बीते 5 साल में हुआ है। जो मैं जयपुर से मोटू 200 किलोमीटर होता है, 200 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटा लगता था, अभी 3.5-4 घंटा में पहुंच रहे हैं हम लोग उसी रास्ता में, मैंने जब लिया था। तो उसी हालत में जब इतने अच्छे काम मैं कर रहा था उस एरिया में, अभी आज के दिन में ऐसा हो गया कि पार्टी क्या सोचा पता नहीं, उन्होंने बीते कई दिनों से उनके पार्टी फोरम में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में बिल्कुल अनदेखी की, हमको बुलाए तक नहीं, बात तक नहीं की। एवं अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होने के लिए एमपी एमएलए के लिए जो सिलेक्शन होता है, उम्मीद है और सभी पार्टी